मैं देख रहा हूं, जब से मेरा आज गुजरात आने का तय हुआ, इन लोगों ने गुजरात के शहरों में जगह जगह पोस्टर होर्डिंग मेरे खिलाफ लगाए, वो तो ठीक है, ये लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे जो मर्जी कर ले मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन सारे होर्डिंग पोस्टर के ऊपर इन्होंने भगवान के खिलाफ बड़े अपशब्द इस्तेमाल किए हैं, भगवान का अपमान किया इन लोगों ने। जिन लोगों ने भी ये पोस्टर लगाए हैं वो अब मेरी मुझसे नफरत करते हैं, नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा, भगवान के खिलाफ इन्होंने इतने अपशब्द और इतना अपमान किया उन पोस्टरों के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात के लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? अरे तुम कंस की औलाद हो, तुम कंस की औलाद हो जो इस तरह से भगवान का अपमान करते हो। मैं एक धार्मिक आदमी हूं, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं, हनुमान जी की असीम कृपा है मेरे ऊपर। ये लोग, ये जितनी असुरी शक्तियां हैं, राक्षसी शक्तियां हैं, वो सारी इकट्ठी हो गई है मेरे खिलाफ। ये सब लोग कंस की औलाद हैं, भगवान का अपमान करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लफंगई करते हैं, मारपीट करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम देके भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए, इनका सफाया करने के लिए। ये जितने कंस की औलाद है, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने गुंडे हैं, जनता को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए हम सारे मिलके भगवान के इस काम को पूरा करेंगे। भगवान हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं, जनता बदलाव चाहती है, उसकी वजह से ये पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, आप केजरीवाल से नफरत कर लो, लेकिन भगवान के खिलाफ अगर इस तरह के अपशब्द लिखोगे तो जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।